अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मानोस पैशन। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग लाई हूँ। पहला रोज़ा सबको मुबारक हो। और ये बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा धूप है और बाहर किसी का जाने का तो दिल कर नहीं रहा होगा। इस तरह मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं इफ्तारी में क्या क्या बना रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं अपना व्लॉग शेयर करूँगी। चलिए आए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। ये भी मैंने भले बनाए हैं और ये पानी में रखे हैं ऑयल से निकाल के। साथ ही साथ ये चिकन छोले हैं, खाने की भी तैयारी साथ ही साथ हम लोग कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद खाना भी तो होता है ना, तो उसकी भी साथ साथ ही तैयारी हो रही है। घर मैंने दही भले बना लिए हैं और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर लूं। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है और आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैं भल्ले कर रही हूँ, डाल रही हूँ अंदर चाट के। गाइस बहुत मज़े के भल्ले बने हैं। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को रेसिपी दे दूँगी। ये मैंने समोसों का मिक्सचर बना रही हूँ और साथ साथ मैं आप लोग को बता दी जाऊँगी समोसों के मिक्सचर के बारे में। गाइस मैंने प्याज काट लिए थे और ये मैंने डाल लिया अंदर। और गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी है, लेकिन रोज़ा देहात से आप लोगों को भी मुँह में पानी आ रहा होगा इस वक्त। अब लास्ट चीज़ मैं ऐड करूँगी अंदर चाट मसाला और ये मेरी चाट रेडी हो गई है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और साड़ी पे निकालूँगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज तो। लोग चिकन देख लेते हैं, चिकन तो शायद नीचे लग रहा है, हम हिला लेते हैं इसको। गाइस साथ साथ इतना प्यारा मंजर भी देखे, चिड़िया बोल रही हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर काम करने का। किचन में मतलब बाहर का मंजर भी साथ साथ देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गाइस अब इसमें मैं चने ऐड करूँगी और इसे गाइस साथ साथ सफाई भी ज़रूरी होती है, इसलिए मैं सफाई का भी ध्यान रख रही हूँ। जब मैंने इसके अंदर पानी डाल के तो इसको ढककर रख दिया, अभी ये बन जाएगा थोड़ी देर तक। तो फिर रात के खाने की तो तैयारी हो गई हमारे घर, बस थोड़ी सी इफ्तारी की तैयारी रह गई है, वो भी साथ साथ आप लोगों को दिखा ही रहे हैं। गाइस पट्टियाँ मैंने घर पर नहीं थी बनाई, मैं ये बाय करके लाई हूँ बाज़ार से। गाइस ये मैंने कहा मैं पट्टियाँ पहले ही खोल लूँ ताकि मुझे आसानी हो समोसे बनाने में। गाइस ये रात के खाने की तो तैयारी हमारे घर हो गई है। गाइस अब मैं अपने रूम में ये ले आई हूँ ताकि मैं आराम से समोसे बना सकूँ। अब सुकून से बैठ के मैं समोसे बनाऊँगी और साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगी।
गाइस मैं खुबानी की चटनी बना रही हूँ, चटनी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा। मैंने कहा उसकी रेसिपी पहले भी बताई थी, आप मेरे पिछले अभी वीडियो देख सकते हो। गाइस अब मैंने चाट के ऊपर ये बंद गोभी काट कर डाल लिया ताकि ये और टेस्टी बन जाए। गाइस देखिए चाट तो रेडी हो गया ये समोसे, बस इनको फ्राई करने वाले रह गया और जब 15 मिनट रह जाएंगे रोज़ा खुले में तो। तो रेडी हो गई है और मुझे ये टेस्टी लग रही है। गाइस अभी इसे मैं बाउल में डालूँगी और अब इसको मैं रख लूँगी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। गाइस अभी साथ साथ मैं थोड़े बर्तन धो लूँ, मैंने सोचा साथ साथ सफाई का भी ध्यान रखा होता है। गाइस ये मैंने स्ट्रॉबेरी स्टोर की हुई थी, बहुत मज़े का शेक होता है इसलिए मैंने कहा मैं अफ्तारी के साथ ये स्ट्रॉबेरी का शेक बना लूँगी अंदर ही। गाइस मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब मैं समोसे फ्राई करूँगी और वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। गाइस टाइम थोड़ा रह गया तो मैंने कहा मैं ये आयल को गर्म करने के लिए रख दूँ, मैंने आयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। गाइस वो मैंने आयल गर्म करने के लिए रखा, मैंने कहा तब तक मैं टैंग बना लूँगी। मैंने ये देखिए चीनी ऐड कर ली और पानी भी ऐड कर लिया है, अब मैं इसके अंदर टैंग ऐड करूँगी, ये पाइनएप्पल टैंग है। गाइस मज़े की बात तो मुझे सीज़र नहीं थी मेरी, मैंने मुँह से खोला इसलिए इस तरह का ये तो अब मैं इस पे टैंग ऐड कर लूँगी। गाइस मैंने सोचा कि मैंने ये पापड़ियाँ भी साथ बना लेती हूँ, चाट के साथ और ज़्यादा मज़ा आएगा, इससे मैं ये पापड़ियाँ बना रही हूँ। ये पापड़ियाँ किस तरह की हैं, ये मैंने समोसों की पट्टियाँ नहीं थी उनको कर रही हूँ, मैं आयल पर अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ, फिर कुछ ये पापड़ियों की तरह तैयार हो जाएंगी, पापड़ बन जाएंगे। गाइस ये 2 चम्मच भरकर मैं टैंग डालूंगी। गाइस 1 चम्मच मैं और डालूंगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, करी जाओ मिक्स करी जाओ। गाइस आप लोगों ने भी ऐसे लगातार हाथ थक जाए तो थोड़ा रुक जाइएगा। गाइस वैसे मैंने रोक ली थी वीडियो, ये मैंने थोड़ा सा मजाक किया था आप लोग के साथ, आप लोग भी ना थोड़ा आराम आराम से बनाइएगा, इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा वेट। ओह माय गॉड पापड़ियाँ तो तैयार होगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग गई, इन्हें मैं तोड़ूंगी और चाट के ऊपर स्प्रेड करके और फिर मैं आराम से इफ्तारी में खाऊंगी, ठीक है। गाइस मैंने कहा जब तक समोसे तैयार हो रहे हैं तो मैं टैंक को अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, हाथ बहुत थक गया मेरा, टैंक चली गया। और ये मैंने पापड़ियाँ भी तैयार कर ली थी, अभी समोसे लेकिन रेडी हो रहे हैं और ये मैं अभी इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी, आराम से कीजिएगा आप लोग भी और तो ठंडी कर लीजिएगा, ठंडी कर करना। मैंने सारी स्प्रेड कर ली है, गाइस अब पक्का वाला इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड करा है, मैं बार बार आप लोग को दिखाती रहती हूँ मैंने इसमें ये ऐड करना है, मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ, ठीक है। गाइस सबसे अहम चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, डेट्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं। गाइस अभी मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, गाइस मेरा तो स्पून ही डूब जा रहा है, मैं पहले अपने स्पून को बचा लूँ फिर मैं ना। गाइस मैंने साइड पर रख लिया स्पून, मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, देखें बस इतना काफ़ी है क्योंकि मैंने साथ शेक भी बनाया तो मतलब इतना काफ़ी होगा सबके लिए, कि कोई शेक पिएगा और कोई टैंग। समोसे बन गए और वो भी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, 22 तारीख से तैयार होंगे।
आप लोग भी आहिस्ते आहिस्ते तैयार करना और आयल से ज़रा महफूज रहना, दूर दूर होके तैयार करना। गाइज मैंने बर्तन निकाल लिया, मैं इन्हें बाहर रखने जा रही हूँ, चले हम साथ में रख कर आते हैं। गाइज अब मैं ये प्लेट रख रही हूँ, किचन साथ साथ मैंने साफ भी कर लिया है, मुझे जरूरी होता है साफ करना। गाइस वो मैंने सालन रखा है जो मैंने आप लोगों को कहा था मैंने बनाया हुआ, ये मैंने चार राइस बनाने हैं, अभी मैंने इनको भिगो दिया। ये मेरा किचन साफ हो चुका है और अब गाइस अब मैं रोज़ा खोलने के लिए बैठने लगी हूँ। गाइस अब मैं बैठ गई हूँ और सबका इंतज़ार कर रही हूँ, सब कब आके बैठेंगे। गाइस अब अजानों का टाइम हो गया तो दुआ मांग लेते हैं। गाइस ये इफ्तारी अब कर ली है और सब नमाज के लिए अब चले गए हैं, और मैंने कहा मैं आप लोग को दिखा कर अब मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, ढेर सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।